भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इलेक्ट्रल वेरिफिकेशन प्रोग्राम। उसके तहत हर मतदाता को अपने वोट का वेरिफिकेशन करना होता है, उसको अपने मोबाइल नंबर के साथ जोड़ना होता है। अब समस्या जो इस प्रोग्राम में है वो ये है, बहुत सारे मतदाता फेस कर रहे हैं वो ये कि वो अपने आजीविका के लिए अपने क्षेत्र से, चुनावी क्षेत्र जहाँ पे उनका वोट है, जहाँ पे वो वोट डालते हैं, उससे बाहर जाना पड़ता है। वो किसी अन्य ज़िले में, अन्य राज्य में, यहाँ तक कि अन्य देश में भी, दूसरे देश में जाके काम करते हैं। तो क्या अपने वोट के वेरिफिकेशन के लिए उनको अपने चुनावी क्षेत्र में, अपने चुनाव जो मतदान केंद्र है वहाँ पे आके करना पड़ेगा, या जहाँ पे वो अभी रह रहे हैं वहाँ बैठे बैठे भी वोट का वेरिफिकेशन कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो वो कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की हम कोशिश करेंगे और तरीका भी जानेंगे कि कैसे हम दूर बैठे बैठे वोट का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा एक और जो सबसे बड़ा सवाल लगभग कमेंट्स के अंदर मुझे रिसीव हो रहा है वो ये कि बहुत सारे लोगों ने वोट का वेरिफिकेशन कर लिया है, मतदाता लगभग अपना वोट का वेरिफिकेशन कर चुके हैं, ऐसा लिखा उन्होंने, और अब उनके सामने एक दो प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम क्या, उनको बाद में पता चला कि उन्होंने अपने जो फैमिली मेम्बर्स थे उनका जब वो ऐड किया था उन्होंने, तो वहाँ पर एक रिलेशन का ऑप्शन आया था जिसको उन्होंने गलती से कुछ और लिख दिया। तो क्या इसका असर भी इसके ऊपर पड़ेगा? वोट वेरिफिकेशन के ऊपर उसका क्या प्रभाव रहेगा? इसका भी आंसर हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए कि वोट का वेरिफिकेशन क्या है। वोट के वेरिफिकेशन में आपको आपके वोटर कार्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करना है, कोई त्रुटियाँ हैं उसको ठीक करना है। और जो मुख्य उद्देश्य है इस प्रोग्राम का वो ये है कि आपको अपने वोटर कार्ड के साथ आपके मोबाइल नंबर को ऐड कर लेना है, ताकि चुनाव आयोग के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रोग्रामों की डिटेल्स आपके मोबाइल के माध्यम से आपको मिलती रहे, या आपके साथ कोई परेशानी है तो चुनाव आयोग और आपके बीच में मोबाइल नंबर एक कड़ी का काम कर सकता है। मेन उद्देश्य ये है। अब हमें वोट का वेरिफिकेशन करना होता है, परंतु हम कमाई के लिए, अपने आजीविका के लिए, अपने आवासीय क्षेत्र जहाँ पे हमारा वोट है वहाँ से बाहर कहीं दूर रहते हैं, तो उसका वोट का वेरिफिकेशन कैसे करें? तो पहला आंसर तो मैं यहाँ पे दूँ कि वोट का वेरिफिकेशन किया जा सकता है, हम कहीं पे भी हों, देश में हों, देश से बाहर हों, कहीं से भी हों, अपने वोट का वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर, एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर, या आपका जो भी फ़ोन है उसके अंदर आपको वोटर हेल्पलाइन ऐप को डाउनलोड कर लेना है। वोटर हेल्पलाइन ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको वोट का वेरिफिकेशन करना शुरू करना है। कैसे करेंगे उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि वोट का वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। अब जो मुख्य क्वेश्चन है, मुख्य प्रश्न है यहाँ पे, वो ये है कि वोट का वेरिफिकेशन जब हम करते हैं तो हम दूसरी जगह का कैसे करें, दूसरी जगह पे जाके वोट का वेरिफिकेशन कैसे करें? तो उसके लिए जब एक स्टेप आता है उसके अंदर, आपको अपनी ज्योग्राफी सेट करनी होती है, आपको अपनी लोकेशन सेट करनी होती है। जब आप लोकेशन सेट करें तो वहाँ पर आपको लोकेशन कुछ इस तरीके से सेट करनी है। ये देखिए, यहाँ पे आपको दोनों उंगलियों की सहायता से आपका जो लोकेशन का एरिया आया हुआ है, मैप आया हुआ है, उसको सेट कर लेना है। उसको जूम करके या आप इस तरीके से खिसका के आप चेक कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं उसको, उसको एग्जैक्टली वहाँ पे सेट कर लें जहाँ पे आपका वोट है। आप यहाँ से जिला भी सेट कर सकते हैं, आप यहाँ से अपना स्टेट वगैरह सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने वोट की जो जगह है उसको सेट कर लें। जब उसके ऊपर सेट हो जाए तो आपसे ये प्रूफ मांगेगा एड्रेस का। आप प्रूफ आधार कार्ड या कोई भी चीज़ इस तरह की लगा सकते हैं जिसके अंदर प्रूफ हो। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है ये। इस तरीके से आप अपनी लोकेशन सेट कर ले वहाँ पे, तो उस लोकेशन पे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब एक और सवाल यहाँ पे फिर खड़ा हो जाता है, वो ये कि अगर हम किसी अन्य जगह पे वोट का वेरिफिकेशन कर देंगे तो ये है कि लोकेशन आपके मतदान केंद्र के बारे में सूचना देती है, आपका मतदान केंद्र से कितनी दूर आप रह रहे। चुनाव आयोग मानता है कि आपका मतदान केंद्र आपके
घर से जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ से 1-2 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए। इसी वजह से ये लोकेशन ली जाती है ताकि भविष्य में जब भी चुनाव हो तो वो आपके आसपास के एरिया में एक मतदान केंद्र बना पाएं। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि जिस वार्ड में या जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहीं की लोकेशन सेट करें। लोकेशन का मैंने तरीका बता दिया है, आप इस तरीके से लोकेशन को सेट करके अपने प्रोग्राम का वेरिफिकेशन, अपने वोट का वेरिफिकेशन कर लें। तो ये एक सामान्य सा तरीका था। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। वो क्वेश्चन ये है कि जब आपने वेरिफिकेशन कंप्लीट किया तो उस दौरान आपके किसी पारिवारिक सदस्य का जो रिलेशन था वो आपसे गलत हो गया, तो अब क्या करें? वेरिफिकेशन तो हो चुका है, अब क्या करें, उसको कैसे ठीक करें? तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें, मैंने स्टार्टिंग में भी इस वीडियो के बताया था, वोटर वेरिफिकेशन प्रोग्राम आपके वोटर कार्ड के साथ आपके मोबाइल नंबर को जोड़ना है। दूसरा, इसके अंदर अगर कोई गलती है उसको ठीक करना है। तो निश्चिंत रहें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपके वोटर कार्ड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप उसका रिलेशन जो भी है वो ठीक रख सकते हैं। अगर फिर भी दोबारा से वोटर कार्ड को दोबारा नहीं मिलना है, आपने सिर्फ वेरिफिकेशन किया है, आपके मोबाइल नंबर के साथ आपने सिर्फ वोटर कार्ड को ऐड किया है, इससे दूसरा वोटर कार्ड नहीं आएगा, सिर्फ एक डाटाबेस तैयार हो गया है चुनाव आयोग के पास, इससे उसके ऊपर कोई असर नहीं है, नया वोटर कार्ड नहीं आना है, वोटर कार्ड वहीं रहना है। तो ये तो निश्चिंत रहें कि आपके वोटर कार्ड में कोई चेंज होगा, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरा, जो फैमिली मेंबर्स को ऐड करने का मुख्य उद्देश्य है वो यही है, क्योंकि फैमिली, हम एक साथ रहते हैं, मान लेते हैं ये सारे के सारे, कि वो सारे के सारे वोटर जो लोकेशन इसी वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो लोकेशन आप सेट कर लेते हैं, ये मान के चला जाता है कि वो सारे के सारे मेंबर उसी लोकेशन पे रह रहे हैं, तो उसको एक परिवार माना जाता है। तो इस तरीके से परिवार के लिए एक वोट वेरिफिकेशन करना होता है। यहाँ पे इस बात से कोई खास ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला, तो आप निश्चिंत रहें इस बात के लिए कि भाई उसके कारण किसी वोट के ऊपर या वोटर कार्ड के अंदर आपको कोई चेंज आएगा। कर लिया है आपने, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरों को भी समझाइए कि वो भी इसको कंप्लीट कर ले, निश्चिंत होकर कंप्लीट करें, उनको जैसे भी करना है एक बार ठीक करें, कोशिश करें त्रुटि रहित हो, अपने नाम के अंदर, लोकेशन के अंदर जो भी गलतियां हैं उसको ठीक कर लें। वो सारी गलतियां ठीक कर लेने के बाद आपकी जो डिटेल्स हैं वो BLO के पास जाती हैं। अगर आपने कोई गलती ठीक की है तो BLO उसको चेक करता है। आप BLO के संपर्क में रहें। अब BLO के संपर्क के लिए मैं बता चुका हूँ, आप अगर BLO से मिलना चाहते हैं, BLO की डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो प्रीवियस वीडियो में ये वाला वीडियो है, आप इसको देख के, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या सभी वीडियो जो वोटर हेल्पलाइन से रिलेटेड हैं उन सभी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। लगभग सारे क्वेश्चन मैंने अभी तक इन वीडियोज़ के माध्यम से या डिफरेंट तरीके जो हो सकते हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं। लगभग 6-7 वीडियो हैं, तो आप पूरी प्लेलिस्ट को वहां पे चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट के लिए मैं यहाँ पे आई जो बटन बना हुआ है ऊपर, इसके अंदर डाल दूंगा, यहाँ से क्लिक करके आप उस पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट में कौन कौन से वीडियो हैं वो सारे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से, इस लिंक के माध्यम से ही आप उस पूरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। हर तरह का, हर जवाब मैंने देने की वहाँ पे कोशिश की है, हर तरीका सुझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई और मेथड होना चाहिए, कोई और चीज़ आपको रह गई है, तो वो ज़रूर लिखें कमेंट्स के अंदर, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की और आपको आंसर देने की, क्योंकि आपसे कनेक्ट रहता हूँ, कोशिश करता हूँ हर आंसर को दूँ, बट एक जैसे क्वेश्चंस जो होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं, उन सबको मैं कमेंट्स के अंदर जो भी मैं रिसीव होते हैं इकट्ठा करके उसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाता है। तो अगर आपको फिर भी कोई लगता है कि कोई प्रॉब्लम रह गई है तो उसके ऊपर कमेंट्स में लिखिए, कोशिश करेंगे भविष्य में एक और वीडियो बनाने की। अब बात आती है एक और क्वेश्चन की, काफ़ी प्रॉब्लम भरा है, वो ये कि BLO के बारे में आपको शिकायत करनी है, या आपकी एप्लीकेशन नहीं चल रही। कई बार एप्लीकेशन रन करते हैं, आप पोर्टल के ऊपर काम कर रहे हैं, पोर्टल के ऊपर काम करते वक्त भी पोर्टल काम नहीं करता कई बार, तो ये सारे रहते हैं। अब झुंझलाहट भरी रहती है मन में कि क्या किया जाए, चुनाव आयोग के ऊपर गुस्सा करते हैं, अपने मोबाइल पे, नेटवर्क पे, इस तरह की चीज़ों के ऊपर हम गुस्सा करते हैं, परंतु गुस्से से समाधान नहीं हो सकता। क्या करें? हम शिकायत करें, किसको करें? चुनाव आयोग को करें। कैसे करें? वो एक ऐप के माध्यम से किया जा सकता है, वोटर हेल्पलाइन ऐप में ये ऑप्शन है कि कैसे उसको करेंगे। डिफरेंट वीडियो, कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे उसके लिए, आप उसको देख सकते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए।
धन्यवाद।